लेकिन यहाँ जो प्रत्याशी आए हैं, मैं 7 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं खुद ही नहीं पहचानता हूँ ये प्रत्याशी कार्य। लेकिन यूँ कह रहे हैं कि ये संकट भाजपा ने उत्पन्न किया है, उन्होंने ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग करते हुए संकट उत्पन्न किया, विपक्ष को खत्म करना चाह रही बीजेपी। सब जितने अल्लाह करेंगे कितनी परेशानियाँ कर लेंगे, लेकिन मुझे जनता पे भरोसा है और जनता को मेरे पे भरोसा है। ये फिर तो ये अभी जैसे जो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर ऐसी, मैं 100% आश्वस्त हूँ कि पहले से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। सुदर्शन सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वो समझदार आदमी राजनीति में। विधानसभा चुनाव में राजसमंद जिले का चौका लगाने के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में मैदान में उतर चुकी हैं और इसी के सिलसिले में आज कुंभलगढ़ विधानसभा में राजसमंद के लोकसभा भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी जी की आज एक परिचय सम्मेलन या कार्यकर्ता सम्मेलन आमेट में आयोजित किया गया है। अभी हमारे साथ में कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ हैं। पहले तो राठौड़ साहब, आज ये कार्यक्रम रखा, अभिनंदन भी हुआ, क्या इसकी निचोड़ क्या है रहा? मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने महिमा कौर को यह प्रत्याशी बनाया। मेवाड़ राजघराना का कोई मेवाड़ में किसी समाज में या किसी में कोई परिचय करने की आवश्यकता नहीं होती है। मेवाड़ का हमेशा इतिहास रहा है कि 36 समाज को लेकर के मेवाड़ राज परिवार आगे बढ़ाए और आज वो हमारे यहाँ प्रत्याशी बनी है। तो पूर्व में जब दिया कुमारी जी भी आई थी तो वो भी अच्छे वोटर जीती थी, आज जिस तरह से आपने कार्यकर्ताओं को गुस्सा देख रहे हो तो इससे लग रहा है कि हम पहले से भी ज़्यादा वोटर से चुनाव जीतेंगे। विपक्ष भी कह रहे हैं कि भाजपा को स्थानीय नेता नहीं मिलते हैं इसलिए बाहर से आते हैं, हालांकि अब कांग्रेस में भी विपक्ष में भी बाहर से प्रत्याशी आए हैं। मेवाड़ में इनको ऐसा कोई गर्व नहीं होगा किसी समाज में जो नहीं पहचानता होगा कि मेवाड़ में महिमा कौर कौन है। लेकिन यहाँ जो प्रत्याशी आए हैं, मैं 7 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं खुद ही नहीं पहचानता हूँ ये प्रत्याशी कहाँ रहते हैं। ये मुख्य रूप से कांग्रेस की तरफ से जो पहले सुदर्शन सिंह जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, उसके बाद दूसरा प्रत्याशी बनाया है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने तो पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, सुदर्शन सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वो समझदार आदमी राजनीति में। वो अभी बलि का बकरा क्यों बनना चाहेगा? जब सत्ता होती है तो बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं, जब सत्ता नहीं होती तो छोटे छोटे पड़ के फालतू के मुर्गे बना देते हैं। इसलिए वो समझदार है, उसने मना कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो जनता क्या पता उन कांग्रेस को ही वोट देते हैं, क्या पता वो जीत जाए। तो भाई वही कांग्रेस है जिसने लक्ष्मण सिंह रावत का टिकट काटा था जब ताकत में थी, अब ताकत में नहीं है तो सुदर्शन जी को चुनाव लड़ना चाहती है, उसकी ये अच्छी बात है, वो तो बना कर दिया मुझे लड़ना चाहता। ये फिर तो ये अभी जैसे जो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर ऐसी स्थिति में। नहीं, वो ये कह रहा था, उसका कहना मैंने सुना, उसका वीडियो सुदर्शन सिंह ने ये कहा है कि भाई और किसी को मौका दो आप। नहीं, हाँ, मेरे कोई मौका क्यों देते हो? ये सब जब वातावरण बन रहा है ना तो फिर इसी तरह होगा, क्यों भीलवाड़ा से कैंडिडेट को याद आना पड़ जाए? ये तो प्रताप सिंह खाचरियावास भी कह रहे हैं मैं जबरदस्ती लड़ रहा हूँ, पार्टी संकट में है। आज एक और स्टेटमेंट आया झुंझुनू में, ओला जी बोल रहे हैं पार्टी संकट में है इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये दूसरी तरफ संकट की बात आप कह रहे हो तो विपक्ष भी ये संकट की बात स्वीकार रहा है, लेकिन यूँ कह रहे हैं कि ये संकट भाजपा ने उत्पन्न किया है, उन्होंने ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग करते हुए संकट उत्पन्न किया, विपक्ष को खत्म करना चाह रही है बीजेपी। सुदर्शन जी के खिलाफ कौन सी ईडी गई? प्रताप सिंह खाचरियावास कौन सी ईडी गई? ओला जी के घर कौन सी ईडी गई? ये तो बहानाबाजी है, जनता में विश्वास खो चुके हैं। जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और ये विकास और विकसित भारत के नाम पर वोट पड़ रहे हैं। मोदी जी की गारंटी पे पूरी राजस्थान की जनता विश्वास करके हमें बहुमत पे सरकार दी। अब मोदी जी का है तो आम जनता की आवाज़ ये बन रही है कि हम 25 में से 25 सीटें जीतेंगे। मुख्य रूप से पिछली बार भी 25 से 25 जीती, इस बार भी 25 से 25 बीजेपी का दावा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस बार जो उनका भी ये मिशन ही है कि जैसे बीजेपी ने 25 बनाया हम भी 25 को लेकर। वो तो गहलोत साहब ने तो चुनाव से पहले 2029 तक की योजना बना रहे थे, उनको ये महसूस ही नहीं था कि भाई हम चुनाव हार जाएंगे। तो मैं तो मानता हूँ ये उनकी प्रशासनिक क्षमता की कमी है, उनको ये पता ही नहीं था कि हमारी सरकार जा रही है। वो तो 2029 तक की घोषणा कर रहे थे विधानसभा में बोल बोल के। मोदी जी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, 14 में कहा था, 19 में कहा था हम आ रहे हैं, जनता पर भरोसा होना चाहिए। आपने मेरा भी पहले इंटरव्यू था विधानसभा में, मैंने कहा नहीं कहा आपको
कि सब जितने अल्लाह करेंगे कितनी परेशानियाँ कर लेंगे, लेकिन मुझे जनता पे भरोसा है और जनता को मेरे पे भरोसा है। इसलिए मोदी जी को देश की जनता को मोदी जी पर भरोसा है और मोदी जी को देश की जनता पे भरोसा है, इसलिए वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। आपके चुनाव में भी कुछ छोटा मोटा अंतर्कलह की स्थिति थी बीजेपी में, क्या वो अब असर खत्म तो हो गया होगा आपकी जीत के बाद या अभी? नहीं, वो जनता ने खत्म कर दिया ना, वो तो बाकी मैं किसी को रोकता ही नहीं हूँ, कोई भी आओ पार्टी में घूमा आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा। इस बार कोई किसी का विरोध नहीं करता हूँ। इस बार कोई बड़े मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में या? मुद्दा तो विकास का है और मई और जाकुम का मैंने अभी भाषण में भी कहा था कि वो पाइपलाइन में काम आ गया है, अब महिमा कुंवर जी की रहेगी जिम्मेदारी उठाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य सरकार का प्रस्ताव भी जाएगा, दोनों जगह एक ही डबल इंजन की सरकार बन गई है और महिमा कुंवर प्रयास करके मई और जाकुम का पानी राजसमंद जिले में लेके आएगी। ये ब्रॉडगेज भी देवगढ़ तक अधूरी जा रही है, उसको भी तिया कुमारी के समय में जो बड़े बड़े काम हुए हैं, कोई अधूरे है, उन सब कामों को महिमा कुंवर पूरे कराएगी। ये मुख्य रूप से चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है कि कोई लोकल क्षेत्र के अलग अलग, चाहे राजसमंद की नहीं बात कर रहा हूँ, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं, उन मुद्दों को भी बीजेपी इस मैनिफेस्टो में चाहे शामिल करेगी? नेता हमारा एक है मोदी जी, मोदी जी के नाम तो हमारा नेता मजबूत है, उसके नाम से ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ क्षेत्रीय कोई बात है तो वहाँ पर भी जैसी बात है वैसी बात राजनीति में करनी पड़ती है। वैसे ये जो मुद्दे हैं उस मैनिफेस्टो में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? सब होंगे शामिल, कल मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, उसमें 27 सदस्य बनाए, वो सब तैयार करेंगे, पूरे देश में क्या क्या किस किस स्टेट की क्या प्रॉब्लम है, स्टेट वाइज सब मैनिफेस्टो तैयार होगा और उसकी भी घोषणा होगी। राजसमंद लोकसभा सीट के अंतिम सवाल, इसके परिणाम को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं, क्या उम्मीद है कि कितने वोट जीत मिलेगी? मैं 100% आश्वस्त हूँ कि पहले से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये जो चुनाव है मोदी जी के नाम पर, विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और क्षेत्र की जो भी समस्याएं होगी उन्हें सूचीबद्ध भी किया जा रहा है और ख़ास तौर से जो भाजपा के मैनिफेस्टो कमेटी गठित हो गई है उसमें उन मुद्दों को शामिल करते हुए चुनाव मैदान में जनता को अपना विज़न बताएंगे और उसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं। और आपने बताया कि जो पिछली जीत हुई है, पूर्व सांसद और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी की जो जीत थी 5.5 लाख, उससे भी प्लस में जीत होने का दावा किया जा रहा है। आने वाले वक्त में जनता किसके पक्ष में वोट देती है, कितने वोट से जीत होती है, ये तो वक्त बताएगा। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।